प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, गोहाना हलके में प्रत्याशियों की एक बहार सी आ गई है। इन्हीं भावी प्रत्याशियों में से एक अरुण निनानिया ने आज गोहाना में भारी जनसमूह के साथ तिरंगा यात्रा निकाल कर बाकियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ज्ञात रहे कि अरुण निनानिया गोहाना नगर परिषद के चेयरमैन पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। उस समय भी इन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को पसीने छुड़ाने का काम किया था और बहुत कम मार्जिन से ये चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन इन्होंने गोहाना की जनता का मूड इनके प्रति क्या है भांप लिया था। इसलिए ये हमेशा जनता के बीच सक्रिय रहे और अब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अब विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच आज गोहाना की नई सब्जी मंडी से लेकर गोहाना के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए तिरंगा यात्रा निकाल कर विधानसभा चुनाव की ताल ठोक दी है। इस दौरान यात्रा के बीच इन्होंने अम्बेडकर चौक, शहीद चौक, भगत सिंह चौक आदि चौक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अमर शहीदों को नमन किया। अरुण निनानिया की इस तिरंगा यात्रा में उमड़े जनसमूह ने बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ाने का काम किया है। गोहाना विधानसभा सीट सामान्य होने और अरुण निनानिया का ऐसी समाज से होने के बावजूद बड़े बड़े नेताओं व पार्टियों की निगाह अरुण निनानिया पर है। आज की तिरंगा यात्रा के बाद अरुण निनानिया एक तरह से गोहाना विधानसभा से चुनाव दंगल में कूद गए हैं, जिससे भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अरुण निनानिया ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम जो आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, इस आज़ादी के लिए हजारों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, जिनके बदौलत आज हम आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हम सभी उन्हीं वीर शहीदों को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमें प्रण करना चाहिए कि हम शहीदों के सपनों का देश बनाएंगे और इसकी शुरुआत गोहाना से करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सपने के लिए गोहाना विधानसभा से राजनीतिक पार्टियों को धूल चटानी होगी। आज़ादी के इस पर्व पर झूठे नेताओं से गोहाना विधानसभा को आज़ाद कराना होगा। उन्होंने मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर चोट करते हुए कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। आज का युवा वर्ग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक है। भाजपा कांग्रेस के कुशासन से लोग परेशान हैं, भाजपा से हर वर्ग परेशान है, भाजपा की तानाशाही से राजनीतिक दल और आम वर्ग परेशान हो चुका है। अपने अधिकारों को पाने के लिए हमें युवा को चुनना होगा। इसी सोच के साथ एससी बीसी, गरीब मजदूर और गरीब किसान अपनी वोट से इतिहास लिखेंगे। इस बार राजनीतिक पार्टियों को नकारेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा, जिसके लिए गोहाना को शिक्षा का हब बनाना होगा, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुधारना होगा। यात्रा के दौरान हजारों मोटरसाइकिलों पर सवार होकर लोगों ने तिरंगे हाथों में लेकर शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा नई सब्जी मंडी से भगवान परशुराम चौक, डॉक्टर अम्बेडकर चौक, समता चौक, बरोदा रोड, पुरानी अनाज मंडी, कॉलेज मोड़, दीन बंधु छोटूराम चौक, शहीद भगत सिंह चौक, शहीद चौक, देवीलाल चौक, पुरानी सब्जी मंडी से पानीपत चुंगी पर समापन हुआ। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।